अभी देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। जैसा कि जानते हैं कि कन्हैया कुमार लगभग एक महीनों से संविधान बचाओ और देश बचाओ की यात्रा पर हैं और नागरिकता को लेकर इस देश में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बना उसके बाद इस देश में एक नई राजनीतिक माहौल और सरगर्मियाँ तेज़ हो गई। उसके बाद आज यहाँ पर बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं और 11 बजे हम देखेंगे कि किस प्रकार से कन्हैया कुमार आते हैं और क्या बातें कहते हैं। ऐसे आज कई संगठन कई व्यक्तिगत तौर पे ही कन्हैया को विरोध करने वाले भी लोगों ने ये बातें की है कि हम उनका विरोध करेंगे। और यहाँ पर दर्शक दीर्घा में देख रहे होंगे कि कितने हजार लोग अभी पहुँच चुके हैं और जैसा कि उम्मीद है कि आज यहाँ लाखों लोग आएंगे और कन्हैया को समर्थन करेंगे ताकि जो उनकी बातें हैं संविधान बचाओ देश बचाओ और जो आज़ादी का गाना जो वो गाते हैं नए स्लोगन के तरह से वह कहीं ना कहीं युवाओं को प्रभावित कर रहे हैं। आज देखते हैं कि वो कितना जनमानस के ऊपर एक छाप छोड़ पाते हैं। और यहाँ पर ये तमाम लोग जो आए हुए हैं देख रहे होंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का झंडा यहाँ पर दिख रहा होगा और तिरंगा झंडा भी दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं ये लोग का कहना है कि कन्हैया कुमार जो कह रहे हैं वो सही है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नागरिकता को लेकर इस देश में चल रहा एक द्विपक्षीय द्वंद्व कहीं ना कहीं अब इस गांधी मैदान से एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। संविधान बचाओ नागरिकता बचाओ महारैली देख सकते हैं, वो नाम स्टेज के पास लिखा हुआ होगा और हमारा देश हमारा संविधान बापू धाम गांधी मैदान ऐसे कई बातों से जिस प्रकार से जिस तेवर और जिस अंदाज में कन्हैया कुमार अपनी बातें रखते हैं वही बातें कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखती हुई नज़र आ रही है। कई देश विरोधी नारे लगाने का भी आरोप लग चुका है कन्हैया कुमार पे और अनेक प्रकार से कन्हैया कुमार को घेरने का भी प्रयास किया गया है। उन पर देशद्रोह का भी मुकदमा चलाया जा चुका है और उनका कहना है कि अगर हम गलत हैं तो हमें जेल में डाला जाए। ऐसे कई मनमोहक बातों से वो घेरते हैं और जब जैसा कि जानते हैं कि इस देश में बहुत जितने भी लोग हैं उसमें कन्हैया कुमार अपनी बातें मुखरता से रखते हैं और आज़ादी के नारे से कहीं ना कहीं इस देश में एक नई हवा हुआ बहाने का प्रयास कर रहे हैं। कई चिंतकों का कहना है कि कन्हैया कुमार गलत राह पकड़ चुके हैं। कई लोगों का कहना है कि कन्हैया कुमार एक उभरता हुआ नेता है। युवा उनके साथ जैसे कि जानते हैं कि 3800 जिला में घूमने के बाद लगभग 10 से 12 जिला में पुरजोर विरोध हुआ, कहीं पर हाथापाई भी हुई और कई लोगों का अपना एक अलग अलग मत है कन्हैया को लेकर। ये भीड़ आई हुई है अभी हज़ारों की संख्या में, अभी सुबह सुबह ही हुई है और अभी लगभग 8 बजे ये संख्या लगभग 5000 की भीड़ पहुंच चुकी है और दावा है कि यहाँ पर लाखों की भीड़ पहुँचेगी और इसके विरोध करने वाले भी लोग आज आएंगे, इसलिए तमाम पुलिस मुस्तैद नज़र आ रहे होंगे। इसी गांधी मैदान से हम और भी खबरें सुनाते रहेंगे दिखाते रहेंगे। अभी के फिलहाल इतना ही। झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।